सर्व अनुसूचित जाति समाज के बैनर तले मणिपुर में हुई घटना के दोषियों पर कार्रवाई और राज्य के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन किया। सर्व अनुसूचित जाति समाज समता सैनिक दल सहित सामाजिक संस्था के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को अपने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में मणिपुर राज्य में महिलाओं पर अमानवीय अत्याचार करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और राज्य के मुख्यमंत्री के इस्तीफा की मांग माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम अपनी गुहार लगाई। साथ ही देश भर में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस संबंध में समाज के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस देश में जो भारतीय संविधान जो व्यवस्था देता है मानवता की सुरक्षा के लिए, लेकिन जब से अभी ये केंद्र सरकार में भाजपा सरकार बैठी है, यह पूर्ण रूप से मानवता विरोधी है, महिला विरोधी है। और इसका ज्वलंत उदाहरण आपको अगर देखा जाए तो न केवल उत्तर प्रदेश राजस्थान बल्कि अभी ज्वलंत मणिपुर में हुआ है। मणिपुर में जो जातिवादी नरसंहार हुआ है वहाँ विभत्स है, जिससे पूरा मानवता शर्मसार हुई है। खासकर जो महिलाओं के साथ में जो अभद्रता की गई है, पूरे विश्व पटल पर हमारी भारत की थूथू हो रही है। भारत सरकार शर्मिंदगी महसूस न करने के बजाय वहाँ एक भी जो अपना वक्तव्य नहीं देता है, मोदी कुछ भी नहीं बोलता है, और वह विदेशों में जाकर यह कहता है कि हम भारत भूमि से आए हैं, जबकि यहाँ की भारत की भूमि जो है असुरक्षित महसूस करती है। वो कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहाँ मणिपुर में देखिए बेटियों के साथ में कितना अन्याय हुआ है। हम इसका भरपूर विरोध करते हैं और हम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि तत्काल मणिपुर सरकार को बर्खास्त करें, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएं और वहाँ जो दोषी है उनको सजा दें और जितने भी प्रभावित लोग हैं उनके साथ में न्याय करें। हमारी मांग मणिपुर की घटना को लेकर है, जो बेटियों के ऊपर लगातार अत्याचार जो हुई है, उस अत्याचार के विरोध में भारत शर्मसार हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया जी से निवेदन है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको तत्काल बर्खास्त करें। और छत्तीसगढ़ में जो जाति प्रमाण पत्र लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से विनम्र निवेदन है, एक अध्यादेश लाकर जो है ये जाति प्रमाण पत्र की समस्या को समाप्त कर हमको जाति प्रमाण पत्र जारी करें। और छत्तीसगढ़ में जो हमारे 29 युवा उनको निःशर्त रिहाई दिया जाए, अगर भूपेश बघेल की सरकार चाहे तो जो है इस मामले को वापस लेकर जो है इन युवाओं के द्वारा जो है सामाजिक लड़ाई के लिए जो है ना वो ये कार्य किए हैं वो अपने लिए नहीं किए हैं और ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए भूपेश बघेल सरकार इस केस को वापस लेकर इन 29 युवाओं को निःशर्त रिहाई की मांग करे। सर्व अनुसूचित जाति समाज द्वारा अभी विगत माह में फिर से हमने धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया था कि जाति प्रमाण पत्र की जो समस्या बनी हुई है यहाँ छत्तीसगढ़ में, और उस पर मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, और जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से जो हमारे जो बच्चे हैं वो सरकार से वंचित, आरक्षण से वंचित हो रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार को इस पर संज्ञान में लेकर इसको कार्रवाई करना चाहिए, SDM हो या कोई भी अधिकारी हो, इसका समाधान निकालना चाहिए। और हाल ही में जो मणिपुर में जो घटना घटी है और उसमें आदिवासी महिला या दलित मूल निवासी महिला के साथ में जो कुकर्म किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, तो पूरे भारत देश में जो आंदोलन चल रहा है और उसी आंदोलन के समर्थन में हम सर्व आदिवासी समाज द्वारा, सर्व अनुसूचित जाति समाज द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ज़िले में ये आंदोलन कर रहे हैं, और आज उसी की कड़ी में ये आंदोलन आज हमारा जा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।